हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एक्सेल के पासवर्ड प्रोटेक्टेड शीट को कैसे तोड़ सकते हैं। अभी देखिए, मैंने इस शीट पे पासवर्ड लगा रखा है, पहले से ही मैंने पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर रखा है इसे। इस पर जब मुझे पासवर्ड भूल गया, जैसे मैंने पासवर्ड लगाया, पासवर्ड लगाने के बाद से मुझे भूल गया, तो इस पर जब भी मैं कुछ भी लिखने की प्रयास करता हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, तो ये मुझे एरर देता है कि आप सिर्फ इसे पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ राइट नहीं कर सकते। तो मैं इसे ओके करता हूँ। पासवर्ड कहाँ से लगता है ये भी मैं बता देता हूँ। रेबियर में जाके प्रोटेक्टेड सीट नाम का एक ऑप्शन होता है, यहाँ से पासवर्ड लगता है। तो आप इस पासवर्ड को कैसे तोड़ सकते हैं और इसको कैसे एडिट कर सकते हैं, आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और ऐसी और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ रेड आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन पर जब आप क्लिक करते हैं तो हमारी जो भी नई वीडियोज़ आने वाली हैं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहती हैं। तो आइए देख लेते हैं हम इस कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टर सीट को कैसे तोड़ सकते हैं और इसमें कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका एक्सटेंशन चेंज करना होगा। एक्सटेंशन चेंज करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास, या तो हम इसे सेव एज करके इसका एक्सटेंशन चेंज कर लें, या फिर मैं सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूँ किसी भी फाइल का एक्सटेंशन चेंज करने के लिए। कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद से यहाँ पे हमारा ऐसे कैटेगरीज टाइप में अगर शो करता है आपका, तो इसे आप चेंज कर लीजिएगा स्मॉल आइकन में। स्मॉल आइकन पे जब क्लिक करेंगे, फोल्डर ऑप्शन का नाम का एक फोल्डर ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, व्यू पे क्लिक करिए। व्यू पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है हाइड एक्सटेंशन फॉर नो फाइल टाइप, मतलब कि आपके जो फाइल टाइप है उसका एक्सटेंशन आपका वहाँ पे शो करता हो, तो आप इसे अनचेक करके अप्लाई और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक्सटेंशन शो ऑफ हो रहा होगा, XLS, यानी कि हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन शो हो रहा है। अब इसको कन्वर्ट करना है आपको जिप फाइल में, तो जिप फाइल में कन्वर्ट करने के लिए इसे रीनेम करिए। रीनेम करने का शॉर्टकट होता है F2, इसे रीनेम करिए। रीनेम करने के बाद से जिप यहाँ पे लिख के हम ओके कर देते हैं। जैसे ही ओके करते हैं ये जिप फाइल में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें हम जब डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने के बाद से यहाँ पे एक्सेल का एक ऑप्शन आ रहा है, एक्सेल पे क्लिक करिए। एक्सेल पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे जब यहाँ पे हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें एक वर्कशीट का ऑप्शन आ रहा है, वर्कशीट पे क्लिक करिए। वर्कशीट में देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आपके, जो तीन सीट थे हमारी, सीट 1, सीट 2, सीट 3, तीनों सीट यहाँ शो कर रहा है। तो आप इन तीनों सीट को कॉपी करिए, यहाँ कॉपी करने का ऑप्शन है, तो ड्रैग कर दीजिए इसको यहाँ से करिए, इसको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रैग डाउन कर दीजिए। यहाँ पे जब हम ड्रैग करते हैं तो देखिए अभी ये ऑप्शन आ चुका है। अब आपका सीट किस सीट पे पासवर्ड लगा हुआ था, सीट 1 पे पासवर्ड लगा हुआ था, तो सीट 1 को उठाइए, और मैंने नोटपैड पहले से खोल रखा है, आपने खोल लीजिएगा। यहाँ पे नोटपैड पे हम ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी कोडिंग आ गई। अब इसमें मुझे सर्च क्या करना है, आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल F करिएगा, सर्च का ऑप्शन आएगा, फाइंड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे प्रोटेक्ट लिखिएगा। जब हम यहाँ लिखते हैं तो प्रोटेक्शन पासवर्ड का देखिए यहाँ पे हमारा ये सीट प्रोटेक्शन पासवर्ड, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से टैग ओपन हो रहा है। टैग ओपन होने के बाद से यहाँ पे बंद हो रहा है, आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद से कंट्रोल S प्रेस करिए, सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद से आप इन तीनों सीटों को फिर से ड्रैग डाउन करके इसी में ओके कर दीजिए। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद से अब हम इसे बंद कर देते हैं, अब हमारा काम पूरा हो चुका है, इसे बंद कर दीजिए और इसे डिलीट कर दीजिए। अब जब हम इसे पासवर्ड, इस पर सबसे पहले तो इसको फिर से मुझे एक्सेल में कन्वर्ट करना होगा, तो एक्सेल में कन्वर्ट करने के लिए इसे रीनेम करिए। जब हम इसे रीनेम करते हैं, रीनेम करने के बाद से यहाँ पे एक्सेल का एक्सटेंशन देते हैं, एक्सेल का एक्सटेंशन हो चुका है। अब देखते हैं हमारा पासवर्ड टूटा है या नहीं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसमें हम कुछ भी राइट करने की कोशिश करते हैं, मैं लिखता हूँ ITS, देखिए हमारा पासवर्ड टूट चुका है और हमारा यहाँ से प्रोटेक्टेड सीट का ऑप्शन हट चुका है और हम इसमें कुछ भी राइट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल शेयर ज़रूर करें। अगर आप PPT यानी कि प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में भी बताऊँगा। ऐसी आपकी 3D ग्राफिक्स जो होती हैं आपको बनाने के लिए बिल्कुल सिखाऊँगा। तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, तो मैं इस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। धन्यवाद।